YouTube फैमिली वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज की बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ और ताज़ा खबर आ चुकी है, लेके हम आपके साथ बने रहिए और आपको वीडियो में बताएंगे आज की जानकारी क्या है। तो जैसा कि हम लोग अभी आए थे रावतपुर में ही पेट्रोल पंप में दिवाली पार्टी लॉन के पास, तो भीड़ देख सकते हैं यहाँ पे कितनी है और पेट्रोल की मारा मारी है। तो जैसा कि देख रहे हैं भाई साहब, भीड़ बहुत हो चुकी है और ये किस कारणवश हुआ है, जो ड्राइवर की हड़ताल चल रही थी उसी को लेकर ये सब हुआ है। और भीड़ देख सकते हैं एक एक पेट्रोल पंप पे भाई साहब, हर पेट्रोल पंप में आपको भीड़ देखने को मिलेगी बहुत ज़्यादा। और भीड़ इतनी तादाद में हो चुकी है कि ये जो लाइन है नमक फैक्ट्री से आपको ये देखने को मिल जाएगी, पूरे द्विवेदी पेट्रोल पंप सन्नेसर चौराहे तक ये भीड़ आपको देखने को मिलेगी। चलिए कुछ जानकारी लेते हैं, आप पेट्रोल यहाँ क्यों डलवाने आए, क्या रीज़न क्या है? पेट्रोल खत्म हो गया ना। पेट्रोल खत्म हो गया है मतलब इसलिए भरवाने आए हैं या कोई और दिक्कत है? पेट्रोल किसी पेट्रोल पंप में नहीं है, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पे और पेट्रोल की समस्या है, तो इसीलिए यहाँ पर सब लोग इकट्ठे आ चुके हैं। भाई साहब, भैया ये किस कारणवश भीड़ लगी हुई यहाँ पे? मोदी के कारण भीड़ लगी हुई है। किस कारणवश? मोदी की वजह से। मोदी की वजह से? मोदी जी ने क्या किया ऐसा कि इस वजह से भीड़ लगी हुई यहाँ पे? ऐसा कर दिया देखिए, ये जो अभी नया नियम पारित हुआ उस वजह से ये भीड़ लगी हुई है क्या? नियम उसको बंद किया जाए, नियम को। जी धन्यवाद। तो एक साइड में बाइक की भीड़ और एक साइड में आप देख सकते हैं कार की भीड़, और ये बहुत दूर तक लगी हुई है और ये सब ड्राइवर हड़ताल की वजह से हो रखा है। ओला कैब और जितने ई रिक्शा ऑटो सारे कुछ बंद हो रखे हैं। और अभी हम लोग जैसा कि रावतपुर में हैं सन्नेसर पेट्रोल पंप पे, सन्नेसर चौराहे के पास ये पड़ता है। भीड़ आप देख रहे हैं एक के बाद एक गाड़ियाँ आ रही हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है। और सामने लगा हुआ है नौ वर्ष मंगलमय हो, तो जनहित में लोगों के लिए तो ये नौ वर्ष मंगलमय हो ही गया है। अभी से इतनी भीड़ हो गई पेट्रोल पंप में ड्राइवर हड़ताल शुरू होने से ही। तो जैसा कि भीड़ आप देख ही रहे हैं इस वीडियो में, तो आपकी क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ये नियम लागू होना चाहिए या निष्कासित हो जाना चाहिए? साथ एक व्यूअर और जुड़े हैं तो इनसे भी कुछ सलाह लेंगे, बताइए नियम की वजह से भीड़ है या किसी और रीज़न से? केवल नियम की वजह से भीड़ आई है, ये जो नाइंसाफी तो हो ही रही है, कहीं ड्राइवरों के साथ बहुत नाइंसाफी है। हाँ ये तो हो ही रही है, क्योंकि भाई अगर वो रुक जाता है तो जनता में पेल देगी, और अगर भाग जाता है तो सरकार पेल देगी। और 10 लाख का जुर्माना है कि 7 लाख का? 7 लाख का जुर्माना है, 10 साल की सजा। हाँ अगर वो भागा तो 14 लाख कर दिया जाएगा। अब भाई 10,000 का तो वाला हर तरफ से जनता का ही नुकसान है, इसको मद्देनज़र रखते हुए इस नियम को वैसे पारित नहीं करना चाहिए और जनता का ख्याल रखना चाहिए। 2024 में ये समस्या बहुत देखने को मिल रही है, तो सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और पूरे इंडिया में वीडियो को फैला देंगे। और जनता के लिए सुनवाई के लिए मैं आया था रावतपुर सन्नेसर चौराहे, जो विजयनगर से होकर नमक फैक्ट्री के लिए जाता है। तो सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में ज़रूर अपनी राय देंगे।